So now let me just go in detail and try to understand what the motivation is all about. So first of all, about the word itself, give me motivation. So motivation word jo hai, that is derived from the word motive. Give me motivation jo hai, wo motive word mein se derive hua hai. What does it mean? The motive is an inner state of energies. कि भाई मोटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो भाई मोटिव रिफर्स एंड इनर स्टेट्स, एक विथ इन द इंडिविजुअल्स के इनसाइड का एक क्या है, टूल्स है, वी कैन से दैट इनर स्टेट्स है, कि जो उसको क्या है एनर्जाइज करता है, उसको एक्टिवेट्स करता है, और उसकी जो एक्टिविटीज है, बिहेवियर्स है, उसको मूव और स्पेसिफिक डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। तो मोटिवेशंस क्या है कि भाई एक इनर ड्राइव है। इन सिंपलेस्ट वर्ड आई कैन से दैट लाइक इनर स्टेट्स का मतलब क्या है, इनर ड्राइव है। कि भाई मोटिव का मतलब क्या है, इनर ड्राइव है बंदे के अंदर, कि जो उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है, एनर्जाइज करता है, उसको एक्टिवेट करता है, और उसको बताता है कि भाई उसको क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें वो बंदा करेगा कि जिससे उसको फायदा होगा। सो मोटिवेशन जो है वो क्या है, हमेशा बंदे के अंदर ही होता है, एक इनर ड्राइव है कि जो क्या है वो बंदे को एक्टिवेट करता है, मोटिवेट करता है। बट कैसे मोटिवेशन क्या है, तो भाई मोटिवेशन एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर क्या होगा कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल्स ही और सी हैव द सर्टेन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसीज। मतलब कि भाई ह्यूमन बीइंग के रूप में क्या होगा, आपकी कोई नीड क्या होगी, अनफुलफिल्ड होगी, डेफिशिएंसी होगी, एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट द ड्राइव। कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल, कि जब आपको रिकॉग्नाइज होगा कि यस मेरी ये पर्टिकुलर नीड जो है वो अनफुलफिल्ड है, तब जाके आपका जो इनर ड्राइव होगा, आपका इनर मोटिव जो होगा वो एक्टिवेट करेगा। सो इनर ड्राइव, दैट इज द इंडिविजुअल्स बिहेवियर इन अ सर्टेन मैनर। कि जब वो बंदे का इनर ड्राइव एक्टिवेट होगा तो वो क्या होगा, दैट रिफर्स द डेफिशिएंसी विद द स्पेसिफिक डायरेक्शंस। कि भाई उसका माइंड जो होगा वो उसको गाइड करेगा, उसको बताएगा कि यस ये एक्टिविटीज करो, सो दैट कि भाई आपका जो गोल है, आपकी जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। एंड बेस्ड ऑन दैट वट एवर ही और सी इज डूइंग थ्रू दैट he or she can able to achieve the particular goals. So incentives are received, the goals are fulfilled, aur uske mind mein jo disequilibrium hoga that will be reduced. So there is a reduction of the drives and fulfilling the deficiencies. Ki bhi deficiency jo create hui thi, jo unfulfilled need thi wo fulfill ho gayi, aur uske mind mein kya hai jo disequilibrium create hua tha wo abhi equalize ho jayega, normal ho jayega। तो इस हिसाब से मोटिवेशन के अंदर क्या होता है, मोटिवेशन इज द वन काइंड ऑफ प्रोसेस विच इज पास ऑन फ्रॉम नीड रिकॉग्निशन टू पुटिंग द एफर्ट्स फॉर फुलफिलिंग दैट पर्टिकुलर नीड्स, एंड एट द एंड द नीड्स आर अटेन्ड। सो इन दैट वे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स, कि भाई वो बंदा हमेशा क्या करता है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करता रहता है। तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं so that you can be more aware regarding this। कि भाई क्या हुआ, आप कॉलेज आए हो और आपने सुबह से कुछ नाश्ता या खाना नहीं खाया, एंड नाउ यू आर हंग्री, कि भाई अभी अभी आपको जोरों से भूख लगी है। तो क्या होगा, जब आपकी हंगरनेस की जो नीड है वो फुलफिल नहीं है, तो आपका माइंड आपको क्या बोलेगा, आपका माइंड आपको क्या बोलेगा, आपको क्या थॉट्स आएंगे, पहले आएंगे या नहीं आएंगे, यस और नो? आएंगे। आंसर इज यस। कि भाई जैसे ही आपकी कोई नीड जो होगी वो अनफुलफिल्ड होगी, वैसे ही क्या होगा, आपकी बॉडी और आपका माइंड वो चीज के लिए आपको क्या है, सिग्नल्स भेजते हैं। तो आपके माइंड में सिग्नल्स आएंगे कि भाई मेरे को भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, मेरे को खाना है, खाना है, खाना है। सो इन दैट वे आपके माइंड में एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट होता है, कि जिसके जरिए क्या होगा,
आप कंटिन्यूसली उसके बारे में ही सोचना स्टार्ट करोगे कि यार मेरे को खाना है, मैं क्या खाऊँ, ये खाओ वो खाओ, समथिंग लाइक दैट। तो क्या होगा, आपका माइंड आपको कॉन्शियसली वो चीज़ के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा, एंड देन योर इनर ड्राइव इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड। कि भाई आपके अंदर का जो इनर ड्राइव है, इनर स्टेट्स है, कि जो आपको एनर्जाइज करेगा, एक्टिवेट करेगा, कि चलो भाई मेरे को जाना पड़ेगा और कुछ खाना है, मेरे को बहुत जोरों से भूख लगी है। सो जब आपकी नीड रिकॉग्नाइज होती है, तब आपका इनर ड्राइव एक्टिवेट होता है और वो आपको बोलता है कि चलो भाई मेरे को ये एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, मेरे को ये चीज़ खानी है, समथिंग लाइक दैट। तो क्या होगा, फिर आप वहाँ से निकल के, कॉलेज से निकल के, कंसर्न जो फूड सेंटर्स है, फूड कोर्ट है, वहाँ पे जाओगे और आपको जो अच्छा लगता है वो चीज़ आप वहाँ पे खाओगे। तो जैसे ही वो आप चीज़ आपने खाया, वैसे ही आपकी जो नीड थी वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई, आपका गोल अटेन हो गया, आपकी हंगरनेस जो नीड थी वो फुलफिल हो गई। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, आपके माइंड में जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ था, जो थॉट प्रोसेस चल रही थी कि भाई मेरे को खाना है खाना है खाना है, वो अभी बंद हो जाएगी। सो यहाँ पे ये पर्टिकुलर नीड जो है वो फुलफिल हो गई। बट हमने क्या पढ़ा था कि भाई ह्यूमन नीड्स आर लिमिटेड और अनलिमिटेड? अनलिमिटेड, यस, ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड। व्हेन द वन नीड इज फुलफिल्ड, अनदर इज इमर्ज। कि भाई आपने खाना खा लिया, बट उसके बाद नेक्स्ट नीड क्या क्रिएट हो सकती है, कि भाई आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई मेरे सारे फ्रेंड्स के पास मोबाइल है बट मेरे पास मोबाइल नहीं है। तो क्या होगा, वंस अगेन जैसे ही आपकी वो नीड रिकॉग्नाइज होगी, जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया कि भाई मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास मोबाइल है, एट दैट टाइम योर इनर ड्राइव इज गोइंग टू बी एक्टिवेटेड। योर माइंड इज गोइंग टू स्टार्ट गिविंग द सिग्नल्स टू यू कि आई डू नॉट हैव अ मोबाइल, आई डू नॉट हैव अ मोबाइल, आई वॉन्ट मोबाइल, आई वॉन्ट मोबाइल। सो वॉट यू आर गोइंग टू डू, आपकी क्या एक्टिविटीज होगी, आप क्या करोगे, वॉट यू विल डू, आपको मोबाइल चाहिए तो अभी आपके पास तो पैसा है नहीं, तो वॉट यू आर गोइंग टू डू, अभी आप क्या करोगे, आपकी एक्टिविटीज क्या होगी, अभी क्या करोगे, कि भाई आप मम्मी और पापा को मस्का लगाओगे कि भाई मेरे को मोबाइल लेके दो। तो क्या करोगे, आपकी जो एक्टिविटीज है वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस में मूव हुई, क्यों, तो कि भाई आपकी कोई स्पेसिफिक नीड अनफुलफिल्ड है, उसी लिए। तब जाके क्या करोगे, आप अपने मम्मी और पापा के साथ इंटरेक्ट करोगे, उनकी बातें मानोगे और उनको कन्विंस करोगे कि भाई क्या है, आप पापा का सब काम करके दोगे और आप चाहोगे कि यस पापा खुश हो जाए और वो मेरे को ये पर्टिकुलर मोबाइल लेके दे। सो आपकी जो एक्टिविटीज होगी, आपका जो बिहेवियर होगा, वो क्या होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शंस में है, क्यों, तो क्या आपको वो पर्टिकुलर नीड जो है वो फुलफिल करनी है। सो इन दैट वे क्या होगा, आपकी एक्टिविटीज उस हिसाब से होगी, बिहेवियर उस हिसाब से होगा। तो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की ट्राई करोगे, उनको काम में हेल्प करोगे, तो आपका जो रेगुलर बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा, आपकी एक्टिविटीज चेंज हो जाएगी। तो दैट इज अ क्या है, डेफिशिएंसी विद द डायरेक्शंस, कि भाई आपकी जो नीड फुलफिल करनी है तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट में आप वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो। जैसे ही पापा ने मेरा मोबाइल लेके दिया, मेरा गोल फुलफिल्ड हो गया, मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया, तो मेरे माइंड में जो डिसइक्विलिब्रियम था वो अभी रिजॉल्व हो जाएगा, जो डेफिशिएंसी क्रिएट हुई थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। बट उसके बाद कोई और चीज़ मैं आइडेंटिफाई करूंगा, उसके लिए काम करूंगा, वो मिल जाएगी, कोई और चीज़ आइडेंटिफाइड होगी, लाइक दैट। तो ये जो मोटिवेशन प्रोसेस है वो क्या होगा, कंटिन्यूसली हमारे अंदर चलता रहता है कि भाई हम क्या है, अनफुलफिल्ड नीड्स रिकॉग्नाइज करते हैं और वो फुलफिल करने के लिए हम कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाते रहते हैं। सो मोटिवेशन क्या है, कि भाई मोटिवेशन इज अ वन काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर द बीइंग वन इंडिविजुअल्स ही और शी इज गोइंग टू पुट द various efforts through which he or she can able to fulfill the various needs. चलिए यहाँ पे मैनेजमेंट का काम क्या आएगा, मैनेजर्स का काम क्या आएगा, कोई भी बंदा होगा वो मोटिवेट कैसे होगा, वो अपना काम ज्यादा कैसे करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा आपको,
एट द वर्क प्लेस कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज है उनकी भी कुछ नीड्स होगी कि जो अनफुलफिल्ड है कि भाई बीइंग एम्प्लॉयज दे वांट द मनी थ्रू विच दे कैन बाय द फूड्स शेल्टर्स क्लोथ लग्जरियस आइटम्स फॉर देयर फैमिली मेंबर्स. तो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी भी वेरियस नीड्स है, उनकी फैमिलीज की भी वेरियस नीड्स है, और वो नीड फुलफिल करने के लिए वो बंदा क्या है हमारे यहाँ पे आ रहा है और काम कर रहा है. तो एज अ मैनेजर्स आपका टास्क क्या होगा, आपको क्या करना है, आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे, कैसे उसके जो एक्टिविटीज है उसको स्पेसिफिक डायरेक्शंस में लेके जाओगे, आप क्या बोलोगे उसको. यू विल से दैट कि भाई आप इस तरीके से काम कीजिए सो दैट कि भाई आपका परफॉर्मेंस एनहेंस होगा और आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, इंसेंटिव्स मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा. सो इन दैट वे बीइंग अ मैनेजर्स यू आर सिंपली ट्राइंग टू शो देम कि भाई आप उनको रास्ता दिखाते हो कि भाई आपको इस तरीके से काम करना चाहिए, ऐसा ऐसा काम करना चाहिए सो दैट कि भाई वो बंदा अपनी जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सके. सो इन दैट वे मैनेजर्स के रूप में आप क्या करते हो, जो एम्प्लॉयज को आपको मोटिवेट करना है उसकी कौन सी नीड्स जो है वो अनफुलफिल्ड है उसको रिकॉग्नाइज करते हो और उसी हिसाब से वो बंदे को आप मोटिवेट करोगे कि भाई तू ऐसा ऐसा काम कर तो तेरे को ये चीज आराम से मिल जाएगी. सो इन दैट वे यू कैन गाइड, यू कैन डायरेक्ट द एक्टिविटीज, एफर्ट्स, बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयज इन अ सर्टेन वे थ्रू मोटिवेशंस. चलिए लेट मी जस्ट गो अहेड एंड डिस्कस द डेफिनेशन पार्ट. द सेम चीज है, वही चीज है बट डेफिनेशंस के अंदर लिखा हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू द ड्यूबिन द मोटिवेशंस क्या है, द मोटिवेशंस इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्सेस स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. कि भाई मोटिवेशंस क्या है, कि भाई मोटिवेशन इज अ वन कॉम्प्लेक्स ऑफ फोर्सेस. कि भाई एक क्या है, एक फोर्स है कि जो बंदे के अंदर है, कि जो बंदे को क्या करता है, बंदे को मोटिवेट करता है, उसको काम के अंदर क्या है जुड़ा हुआ रखता है. कि भाई वो इनर ड्राइव जो होगा, इनर जो फोर्स होगा कि जो उसको क्या है एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करता है फॉर डूइंग द वर्क एट द वर्क प्लेस. अकॉर्डिंग टू द वेंस मोटिवेशंस इम्प्लाइज एनी इमोशंस और डिजायर विच सो कंडीशंस वंस विल दैट द इंडिविजुअल्स इज प्रॉपरली लीड इनटू द एक्शंस. कि भाई मोटिवेशंस क्या है, तो भाई मोटिवेशन इज अ वंस अगेन सेम कि भाई क्या है, एक इनर ड्राइव है, वो बंदे का इमोशनल थिंग्स है कि भाई उसको ये इमोशनली वो बंदा इसके साथ अटैच है, वो चीज उसको चाहिए, समथिंग लाइक दैट. कि भाई वो ऐसी कंडीशनिंग हुई है, ऐसी तरीके से वो रिलेट हुआ है कि जिसके माध्यम से क्या कर रहा है, दैट विल इंडिविजुअल्स आर प्रॉपर लीड इनटू द सर्टेन एक्शंस. कि भाई जिसके कारण क्या हो रहा है, वो बंदा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है. तो दोनों डेफिनेशंस को अगर आप ऑब्जर्व करोगे देन यू विल लर्न एंड यू विल अंडरस्टैंड द सेम थिंग. कि भाई मोटिवेशंस के अंदर क्या होता है कि भाई बीइंग अ वन इंडिविजुअल ही और सी हैव सम इनर ड्राइव एंड दैट विल एनकरेज हिम और हर टू परफॉर्म इन अ सर्टेन वे. कि भाई वो बंदा वर्क प्लेस पे आता है, काम करता है, बट क्यों, तो कि भाई उसका इनर ड्राइव है कि जो उसको एनर्जाइज करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, एनकरेज करता है, उसकी कुछ अनफुलफिल्ड नीड्स है कि जिसको फुलफिल करने के लिए वो बंदा क्या है हमारे यहाँ पे आ रहा है और काम कर रहा है. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशंस.